हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जी हाँ, आज हम समझेंगे टोन और टेक्सचर के बारे में। दोस्तों, ये बेसिक्स ऑफ आर्ट है हमारे, ये समझना ज़रूरी है कि क्या होती है टोन और टेक्सचर। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, आइए। तो दोस्तों, टोन और टेक्सचर में क्या डिफरेंस है समझते हैं। देखिए, टोन को हम शेडिंग और वैल्यू भी कहते हैं। इसका बेसिकली जो मतलब होता है वो ये होता है दोस्तों कि देखिए, किसी भी लाइन को अगर आपको रियल बनाना है तो उसके लिए शेडिंग बहुत ज़रूरी है। और शेडिंग में तीन तरीके की हमारी शेडिंग होती है दोस्तों, डार्क, मीडियम और लाइट। तीनों ही शेडिंग हमारे किसी भी ड्राइंग को रियल बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप तीनों शेडिंगों को यूज़ नहीं करेंगे तो शायद ही दोस्तों आपकी ड्राइंग रियल लगे या फिर वो दिखने में अच्छी लगे। तो ये ज़रूरी है आपकी जब भी कोई ड्राइंग बनाए तो उसमें तीनों शेडिंग ज़रूर यूज़ करें। अब ये देखिए, तीनों शेडिंग मैंने आपके सामने यहाँ डिफ्रेंशिएट करके दिखा दी है कि तीन तरीके की हमारे पास शेडिंग होती है, या कह लीजिए कि टोन है, या कह लीजिए कि वैल्यू है। वैल्यू बेसिकली क्या है कि कंट्रास्ट फ्रॉम लाइट टू डार्क या डार्क टू लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट का। अब देखिए, जब हम तीनों शेडिंगों को कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं, यानी कि अगर हम उसे फ्लो में यूज़ करते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, तो इस टर्म को हम यूज़ करते हैं एज ए ग्रे स्केल। ग्रे स्केल का मतलब है दोस्तों कि एक ग्रे स्केल है, यानी कि एक स्केल है जो आपका वेरिएट हो रहा है डार्क टू लाइट या लाइट टू डार्क, और आपकी चीज़ों को या आपकी चीज़ों की ब्यूटी को वो एनहेंस कर देता है और अच्छा बना देता है। तो ये कंसेप्ट दोस्तों आपको समझ में आना चाहिए और आपको समझना होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रियल बनाने के लिए आपको तीनों शेडिंगों की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अब ये देखिए, समझाने के तौर पे मैं आपके सामने एक लाइव यहाँ पर डेमो करके दिखा रहा हूँ कि आपको तीन, मैं यहाँ रेक्टेंगल बना के दिखा रहा हूँ। अब इन तीनों रेक्टेंगल में से फर्स्ट को हम सिर्फ छोड़ देते हैं, सेकंड वाले में हमने सिर्फ शेडिंग की है, लेकिन दो ही तरीके की शेडिंग है। ये देखिए, सिर्फ मीडियम और शेडो में भी मीडियम। वहीं थर्ड में हम तीनों शेडिंग यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट में भी प्लस उसकी शेडो में भी। तो देखिएगा क्या फ़र्क पड़ता है तीनों ही ऑब्जेक्ट में। आप देख सकते हैं कि ड्राइंग और फिर उसके बाद हल्का शेड और उसके बाद रेगुलर शेड, जिसमें कि हमने ग्रे स्केल यूज़ किया है, तो कितना ज़्यादा डिफरेंस देख सकते हैं आप तीनों ही ऑब्जेक्ट में। सो बात करते हैं दोस्तों टेक्सचर के बारे में कि क्या होता है टेक्सचर। अब देखिए दोस्तों, टेक्सचर हमारे पास दो ही तरीके के हैं। अब या तो टेक्सचर स्मूथ होता है या टेक्सचर रफ होता है। ये बात आप भी समझते हैं दोस्तों कि चीज़ें हमारे पास दो ही होती हैं, शीट भी आपकी दो ही तरीके की होती है, या तो वो आइदर स्मूथ होगी या वो रफ़ होगी। तो स्मूथ के बारे में और रफ़ के बारे में दोस्तों समझते हैं क्या डिफरेंस है, कौन यूज़ करता है, कैसे यूज़ करते हैं, और आर्टिस्टों के लिए बेस्ट शीट कौन सी होती है। सो देखिए दोस्तों, स्मूथ शीट को हम जब डिपिक्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके से हम लाइन की फॉर्म्स में उसको शो करते हैं। इस तरीके से हम स्मूथ सरफेस को दिखाते हैं, और रफ़ सरफेस को दिखाने के लिए हम थोड़ा सा उसको ज़्यादा उबड़ खाबड़ तरीके से ब्लेंड हम कर देंगे पेंसिल को, ताकि वो देखने में भी रफ़ ही लगे। अब यहाँ हम एक ड्राइंग बनाएंगे, बहुत सिंपल सी ड्राइंग में दोस्तों यहाँ बना रहा हूँ, सिर्फ समझाने के तौर पे आपको। ये देखिए, एक फ्लावर हमने यहाँ बनाया, और यही सेम फ्लावर जब हम रफ़ शीट पे बनाएंगे तो बैकग्राउंड में देखिए दोस्तों कितना फ़र्क पड़ता है कि स्मूथ पे आपकी जो लाइंस हैं वो ज़्यादा अच्छे से एनहेंस होती हैं, जबकि रफ़ में लाइंस आपकी दब जाती हैं। तो स्मूथ सरफेस दोस्तों यूज़ कौन करता है? देखिए, स्मूथ सरफेस जो आपके बेसिकली हैं डिज़ाइनर लोग यूज़ करते हैं, और डिज़ाइनर के बाद हमारे जो आर्किटेक्ट लोग हैं जिनकी ट्रेनिंग चलती है, वो लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो जो आर्किटेक्ट होते हैं उनकी जो मेन ड्राइंग्स होती हैं घरों की, आपने देखी होगी, तो वो जो कंसेप्ट होता है वो प्लेन शीट पर होते हैं। रफ़ शीट मोस्टली आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि पोर्ट्रेट के लिए, लैंडस्केप के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। तो मोस्टली किस में आर्टिस्ट हमेशा रफ़ शीट यूज़ करता है। ऐसा नहीं है कि स्मूथ नहीं करता, स्मूथ भी वो यूज़ करते हैं, अपना अपना पर्पस है। अब समझते हैं कि किस तरीके से डिटेलिंग में हम स्मूथ और रफ़ के बीच में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये देखिए, लाइंस बना के मैंने आपको दिखा दिया है। लाइंस में अब देखिए दोस्तों, पेंसिल जब आपकी स्मूथ सरफेस पर टच होती है, स्मूथ सरफेस पर देखिए पॉइंट आपका किस तरीके से बिल्कुल टच है, यानी कि जब ओवरऑल शीट ही आपकी एकदम प्लेन है तो लाइंस आपकी एकदम आपको अच्छी मिलेगी। वहीं जब रफ़ सरफेस पर आपकी पेंसिल टच होती है तो लाइंस ऊबड़ खाबड़ हल्के इसलिए हो जाती हैं क्योंकि सरफेस ही आपका हल्का हल्का टिल्टेड होता है, यानी कि वेरिएट कर रहा है। तो ये ज़रूरी है दोस्तों समझना कि टेक्सचर एक्चुअली है क्या, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, और किस तरीके से हम टेक्सचर को यूज़ कर सकते हैं अपनी ड्राइंग्स में।
अब देखिए दोस्तों, टेक्सचर को समझाने के लिए मैं आपके सामने यहाँ पर 3 से 4 एग्जांपल भी दूंगा कि टेक्सचर होता क्या है, किस तरीके से हम उसे यूज़ करते हैं अपनी फील्ड में, और हर जगह आप देख सकते हैं टेक्सचर। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर लाइंस की फॉर्म में कुछ लाइंस बनाई है, हल्की हल्की लाइंस बनाई हैं, कर्व लिए हैं हल्के सी। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक वुड का फील आना शुरू हो गया होगा, तो यानी कि ये आपका टेक्सचर वुड का है। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ जो है अब एक टेक्सचर बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ मैं आपको एक ब्रिक का टेक्सचर जो है दोस्तों बना के दिखाऊंगा कि अगर ईंटें आप जो है जब बनानी शुरू करते हैं, किसी घर को आप बना रहे हैं, हट को आप बना रहे हैं, तो ये पैटर्न ज़रूरी है कि आप ये चीज़ ज़रूर यूज़ करें अपनी ड्राइंग्स में। क्योंकि देखिए दोस्तों, सिर्फ शेडिंग करने से या लाइंस बनाने से कोई भी चीज़ रियल या अच्छी नहीं लगती है। आपको समझना होता है कि आर्ट के कुछ बेसिक्स रूल हैं, वो रूल्स अगर हम अप्लाई नहीं करेंगे तो हमें अपनी ऑब्जेक्ट वैसे नहीं मिलेगा जैसा कि हम चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, हम सोचते बहुत ज़्यादा हैं कि हमारा गेटअप अच्छा है, हम जो भी ड्राइंग बना रहे हैं वो अच्छी निकले, लेकिन अगर हम उसमें बेसिक्स को अप्लाई नहीं करेंगे तो दोस्तों आपकी चीज़ उस तरीके से नहीं बनेगी जैसा कि आप चाहते हैं। तो ये देखिए, अब आपके सामने हल्का हल्का मैंने शेड करना इसके बीच में शुरू कर दिया है। तो पेंसिल यहाँ मैं दोस्तों डार्क ही यूज़ कर रहा हूँ, आर्ट लाइन की पेंसिल है। डार्क पेंसिल से क्या हो जाता है कि फ़र्क ये पड़ता है कि जल्दी से अभी गेटअप हमारे सामने आना शुरू हो जाता है। तो ये देखिए, यहाँ मैंने आपके सामने ये शेड करके दिखा दिया है। तो आप देख भी सकते हैं कि पैटर्न हमारा ब्रिक का जो है लग रहा है। तो वो पहला वुड का और अब ये ब्रिक का। अब हम इसके बाद एक और टेक्सचर के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से हमें जो है टेक्सचर बनाना है थर्ड वाला। सो थर्ड जो हम टेक्सचर बनाएंगे दोस्तों, तो देखिए बेसिकली जब आप कपड़े बनाते हैं, जैसे कि आपने अपने जीन्स में भी देखा होगा या कॉटन की जो शर्ट्स होती हैं, तो उसमें आपको लाइंस दोस्तों अलग से नज़र आती हैं, कुछ वर्टिकल लाइंस और हल्के हल्के उसमें क्रॉस करती हुई हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो यानी कि क्या होता है, कपड़ा भी आपका बारीक धागों से बना हुआ होता है। तो ये देखिए, इस तरीके से वर्टिकल लाइंस बना बना के और उस पर हॉरिजॉन्टल लाइंस आप इस तरीके से मार्क कर करके डिटेल स्टडी आप जो है कपड़ों की कर सकते हैं। इस तरीके से आपने बोरी अगर देखी हो, जो मोटे कपड़े होते हैं, वुलन के होते हैं, उसमें तो आप साफ साफ देख भी सकते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर हम एक टेक्सचर और यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आपने फ़िश देखी हो, बच्चों को जब हम फिश बनाना सिखाते हैं तो ये पैटर्न हम जो है दोस्तों यूज़ करते हैं कि हम सी बना करके इस तरीके से उनको टच करते हैं आपस में। तो ये देखिए दोस्तों, यानी कि टेक्सचर बेसिकली क्या है दोस्तों, एक पैटर्न है जो एक बड़े अमाउंट में रिपीट होता है बार बार, और उस पैटर्न को जो हम पकड़ के यूज़ करते हैं अपनी आर्ट में, फिर चाहे वो लकड़ी बनाने के लिए हम वुड का टेक्सचर यूज़ करें, घर बनाने के लिए ईंटों का टेक्सचर यूज़ करें। और इस तरीके से देखिए, हमने यहाँ पर इसको भी अटेम्प्ट कर लिया है। इसके अंदर स्टेपलिंग मैंने यूज़ किया दोस्तों, पेंसिल को पॉइंटेड कर करके चलाना। तो ये था टेक्सचर दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको टोन और टेक्सचर के बीच में डिफरेंस अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा और देखते हैं डिटेलिंग में कि ये देखिए, कुछ टेक्सचर्स मैंने आप लोगों के लिए बना के रखे थे समझाने के तौर पर। ये देखिए, वुड का टेक्सचर, ब्रिक टेक्सचर, लीफ टेक्सचर, डॉटेड टेक्सचर, लाइन टेक्सचर, यानी कि आप बहुत सारी लाइनें यूज़ करके दोस्तों अपने टेक्सचर को बना सकते हैं। कर्व, स्कर्पलिंग, ज़िगज़ैग, जितनी भी आप लाइनें यूज़ करेंगे डिफरेंट तरीके से, आपके उतने ही ज़्यादा नए नए टेक्सचर आने शुरू हो जाएंगे। सो अपनी टोन को आप दोस्तों किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, इस बारे में भी हम समझ लेते हैं कि शेडिंग अपनी कैसे आपको इम्प्रूव करनी चाहिए। तो शेडिंग इम्प्रूव करने के लिए दोस्तों, आप देखिए, सबसे पहले चीज़ ये करिए कि अपनी शीट पे एक स्ट्राइप बना लीजिए कुछ इस तरीके से। हर 2 सेंटीमीटर के बाद मैं जो है स्केल पे मार्किंग करनी शुरू करूँगा, और फिर हमारा जो है एक बॉक्स बनना शुरू हो जाएगा। तो ये जो पूरी पट्टी है हमारी, इस पूरी पट्टी को जो हम शेड करेंगे, और डेली बेसिस पर अगर आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी दोस्तों शेडिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। ये देखिए, डार्क टू लाइट रूल हमें जो है फॉलो करना है। तो पहला बॉक्स आपको बिल्कुल डार्क करना है, तो आप क्या करिए कि स्लांटिंग डायरेक्शन में इस तरीके से शेडिंग करनी शुरू कर दीजिए। आराम आराम से आप उसको करते रहिए। कोशिश ये रखना दोस्तों कि आप शेडिंग जब करें तो शेडिंग की लेंथ एक तो छोटी रखें, और शेडिंग की लेंथ छोटी रखने के साथ साथ शेडिंग करते वक्त आपकी शेडिंग के बीच में वाइट गैप ना आए, यानी कि आप जब शेडिंग करें तो बिल्कुल टच करते हुए ही आगे बढ़ें, अपने शेडिंग के बीच में वाइट गैप ना आने दें, और धीरे धीरे उसको कवर करना शुरू कर दें। और शेडिंग की लेंथ को दोस्तों फिर से मैं बता दूं एक बार, ज़्यादा लंबा ना रखें। तो पहला बॉक्स हमें डार्क करना है, तो पहले बॉक्स को हम डार्क करने के लिए डार्क पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक आप 10 भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, 10 भी हमें यूज़ भी कर रहा हूँ। और धीरे धीरे हम इसको जो है डार्क करना शुरू कर देंगे। ये देखिए,
डार्क करने के साथ साथ अब आपको लगे कि आपकी शेडिंग थोड़ी सी रफ़ है तो आप उसको स्मूथ करने के लिए टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं लाइक पेपर स्टम्प, ईयर बर्ड। तो हम यहाँ पेपर स्टम्प यूज़ कर रहे हैं तो हमारी शेडिंग के अंदर अब जो हल्के हल्के पोर्स हमें नज़र आ रहे हैं वाइट वाइट वो हमारे बिल्कुल फिलअप हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। देखिए आप देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल बढ़िया से हमें जो इफेक्ट भी अच्छा मिलेगा। सो ये वो तरीके हैं दोस्तों कि जिस तरीकों को आप अपनी ड्राइंग स्किल्स में यूज़ करके और अच्छी अपनी जो है ड्राइंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा पैटर्न ये करेंगे डार्क टू लाइट तो आपकी डेली बेसिस पर दोस्तों शेडिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। अभी हम समझते हैं, अब आपके सामने मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। देखिए तीन ऑब्जेक्ट मैं यहाँ जो बनाऊँगा, एक तीनों ही ऑब्जेक्ट की ड्राइंग सेम है लेकिन उनके सरफेस अलग होने से क्या फ़र्क पड़ता है वो हम समझेंगे। सो दोस्तों जब भी आप अपनी ड्राइंग शुरू करें तो छोटे छोटे ऑब्जेक्टों से ही शुरू करें, बहुत ज़्यादा बड़े ऑब्जेक्ट ना बनाएं। जो मेरे बिगिनर दोस्त हैं वो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें, चीज़ें जितनी छोटी होंगी उतनी अच्छी होंगी बनानी और उतनी इजी भी होंगी आपके लिए बनानी। तो देखिए पहला ग्लास मैं जो है यहाँ शेड करना शुरू कर रहा हूँ, अंदर की तरफ काफ़ी ज़्यादा डार्क शेड लेके चल रहा हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ दोस्तों आपको स्टील का ग्लास बनाने की कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की कि स्टील का ग्लास मैं आपको बना के दिखाऊँ। और बहुत ज़्यादा ये दोस्तों ये समझिए कि रियल ड्राइंग तो नहीं है लेकिन हाँ रफली तौर पर आपको आइडिया हो जाएगा कि डिफ्रेंशिएट किस तरीके से किया जाता है अगर आपके पास सरफेस अलग है। तो ये देखिए, हालांकि यहाँ मेरे सामने कोई ग्लास नहीं है, ये मैं आपको बकायदा अपनी इमेजिनेशन से ही बना करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि दोस्तों किस तरीके से हम जो है अपने आइडियाज़ यूज़ कर सकते हैं अपनी ड्राइंग में। अगर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है काम करते करते तो आप बिना देखे भी ये चीज़ बना सकते हैं और एटलीस्ट गेटअप तो आप दे ही सकते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों गेटअप आना बहुत ज़रूरी है जो भी चीज़ आप बना रहे हैं उसका। अभी देखिए यहाँ हल्का हल्का आपको फील हो रहा होगा कि ये ग्लास हमारा स्टील का है तो हम इसमें हल्की हल्की जो शार्पनेस और डार्कनेस है वो दे देते हैं। और थोड़ा सा दोस्तों शेडो इफेक्ट देखना, देखिए बहुत ज़रूरी है, शेडो इफेक्ट के बिना कोई भी ऑब्जेक्ट रियल नहीं लगता है और शेडो में भी डार्क टू लाइट शेड। अब अगला शेड जो मैं कर रहा हूँ वो नॉर्मल देखिए दोस्तों प्लास्टिक है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक नहीं है, जो हमारी हार्ड प्लास्टिक आपने देखी होगी, जो हमारी वाटर बॉटल्स होती हैं थोड़ी सी जो है डल होती हैं, आप उनके ऊपर लाइट मारे भी तो लाइट्स जो है उसके ऊपर ज़्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं। तो यहाँ शेड हम नॉर्मली मीडियम टू लाइट ही लेकर के चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसमें शाइनिंग नहीं होती है तो हम शाइनिंग यहाँ नहीं दिखा रहे हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारा प्लास्टिक का ग्लास होता है, इस तरीके से हम उसमें शेड भी कर देंगे शेडो में डार्क टू मीडियम और फिर हल्का हल्का किनारे की तरफ लाइट। शेडिंग करने से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, आप देख सकते हैं दोनों ग्लासों में भी कितना डिफरेंस है, वाइटनेस छोड़ने पे कितना फ़र्क पड़ता है। ये थर्ड हमारा जो ग्लास है वो कांच का हमारा ग्लास है। सो कांच के ग्लास में दोस्तों बेसिकली क्या होता है कि बीच में तो काफ़ी ज़्यादा ही लाइट्स होती हैं तो और नीचे की तरफ ही हमेशा शेड नज़र आता है बेस में। तो ये देखिए बेस में ही हमारा शेड होता है तो ऊपर की तरफ ज़्यादा शेड करेंगे नहीं, नीचे की तरफ ही हम शेड रखेंगे। और मैं ज़्यादा शेड इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि ये देखिए ग्लास मेरा किसी और चट पर ना चेंज हो जाए, नीचे की तरफ हम शेडो दे देंगे हल्की हल्की डार्क टू मीडियम और टू लाइट। ये देखिए तीनों ग्लास आपके सामने मैंने बना के दिखा दिए हैं, अब आप डिफ्रेंशिएट आराम से कर सकते हैं ग्लास प्लास्टिक और स्टील। ये देखिए तो जब भी आप दोस्तों शुरू करें ऑब्जेक्ट बनाना तो हमेशा छोटे ऑब्जेक्टों से ही आप शुरू करें, दोनों टेक्स्चर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। ये देखिए उम्मीद है दोस्तों आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपकी हेल्प की होगी इस टॉपिक ने। सो प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों, ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू सो मच।